नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शक्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल स्मार्ट जॉब लाइन में। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जयपुर ZRO के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी, आर्मी भर्ती न्यू रिक्वायरमेंट आ चुकी है 2021-22 की। किस जगह भर्ती होगी, कब से भर्ती शुरू होगी एंड दोस्तों आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होंगे, किस किस कैटेगरी की भर्ती आई है, साथ ही दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहे। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे देखिए लाल रंग का बटन है, फटाफट से प्रेस कर दीजिए। जयपुर आर्मी भर्ती से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, थोड़े दिन पहले ही जयपुर आर्मी वालों के लिए यहां पर भर्ती समाप्त ही हुई थी। मार्च में आपकी भर्ती हुई थी और 2021-22 की भर्ती अब आ चुकी है। किस किस कैटेगरी की आई है, तो सबसे पहले ही हम आपका बिना टाइम वेस्ट किए बता देते हैं कि आपकी दोस्तों कलर की SKT यानी कि दोस्तों यहां पर आपके कीपर टेक्निकल की, शोल्डर नर्सिंग की, नर्सिंग असिस्टेंट की, वेटनरी की एंड दोस्तों यहाँ पर सेफो फार्मा की, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पर आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 14 मई से लेकर 27 जून तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। भर्ती आपकी 11 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में होगी। आपकी भर्ती होगी कैयद विश्राम स्थली अजमेर में, ठीक है। तो अजमेर में आपकी भर्ती होने वाली, क्योंकि दोस्तों अजमेर की GD वालों की भर्ती यानी कि पूरा का पूरा ARO सिस्टम आपका दोस्तों अजमेर में 2 अगस्त तक चलेगा 11 जुलाई से। तो उसमें सभी जो ARO हैं उसके नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, सेफी फार्मा एंड दोस्तों SKT की भर्ती वहीं पर आयोजित करवाई जा रही है। तो आप सभी क्या करें दोस्तों, आप सभी की भर्ती दोस्तों यहां पर आयोजित करवा दी गई है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट सूचना क्या है, पीले कलर में पेंट करके बताया गया है कि दोस्तों सबमिट, अगर आप फॉर्म नहीं करते हो, फॉर्म भर देते हो लेकिन सबमिट नहीं करते हो तो यहां पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको पार्टिसिपेट इन द रैली नॉट अलाउड यानी कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसलिए दोस्तों फॉर्म भरते समय सबमिटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ है तभी माने कि फॉर्म सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि जोधपुर वालों के साथ बहुत बड़ी यहां पर संख्या में लोगों के साथ ऐसा हुआ, इसलिए इन्हें यह लिखना भी जरूरी पड़ गया इस बार, ठीक है। और नोट करके एक चीज और लिखी हुई है कि द डेट एंड वेन्यू आर टेंटेटिव यानी कि अस्थायी रूप से एंड माइट बी चेंज्ड यानी कि कुछ विकट परिस्थिति आ जाए तो इन्हें चेंज भी किया जा सकता है। आप देखिए दोस्तों क्या क्वालिफिकेशन है, क्लर्क वालों के लिए 17 से 23 ईयर एज रखी गई है, 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 तक, हाइट 162 सेंटीमीटर, क्वालिफिकेशन मैथमेटिक्स होनी चाहिए 12th में, 60% आपके होने, 50% होने चाहिए हर सब्जेक्ट में एंड दोस्तों 60% आपके टोटल होने चाहिए। उसके बाद में नर्सिंग असिस्टेंट की बायो होनी चाहिए, एज वही है, हाइट 170 सेंटीमीटर, उनके 162 ही है, ठीक है। और सेफी फार्मा की सेट बस AMH 25 होनी चाहिए उनकी और डी फार्मा सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, ठीक है। और हाइट, वेट की बात करें तो दोस्तों हाइट के अनुसार आपका वेट लिया जाएगा इस बार। ये रहे दोस्तों, ये रहे आपके दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्हें आसानी से आप देख लेना वीडियो पॉज करके, आपका वेट कितना होना चाहिए अपनी हाइट के अनुसार, ठीक है, और देख लिया होगा। अब दोस्तों वीडियो फटाफट से मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो वीडियो को अभी के भी लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, फटाफट से प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।